पिछले 17 वर्षों से मनरेगा कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका वेतनमान नहीं निर्धारित हुआ। आज भी वो मानदेय के आधार पर काम कर रहे हैं और महज 12,500 रुपये मिलते हैं। कई बार इन्होंने अस्थायीकरण की मांग की, आंदोलन हुए, लेकिन नतीजा सिफर निकला। आज फिर से एक बार आंदोलन के मूड में है तमाम मनरेगा कर्मी, और कारण यह है कि अब सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाली है और इन्हें धरना पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। हमारे सामने मनरेगा से जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। बताइए भैया, क्यों आप लोग बैठे हैं? हमारा जो मांग है और इसलिए बैठे हैं कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश इकाई की ये धनबाद इकाई आज धरना प्रदर्शन कर रही है। विगत 22 जुलाई से हम लोग अपने चिरलंबित मांग को पूर्ति करवाने के लिए सरकार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर रहे हैं, और उसी कड़ी में आज हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सरकार जब बना तो उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और पार्टी के अपना मैनिफेस्टो में भी डाले हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे। ये सरकार का कार्यकाल लगभग समाप्त होने जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ही एक तरह से वादा ही वादा के जैसा रह गया। हम लोग उसी कड़ी में वादा निभाओ, मनरेगा कर्मियों को स्थायी करो कि ये में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को अपने वादा पूरा करने के लिए आह्वान करते हैं। साथ ही बताना चाहेंगे संक्षेप में कि मनरेगा सेल जो एसी में सचिवालय में मनरेगा सेल बनाया है उनका नियमावली में संशोधन करके उनके ग्रेड पे दिया जा रहा है, जहां 42,000 से 70,000 रुपया जो एसी में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। जो क्षेत्र कर्मी, आप लोगों को पता है इलेक्शन से लेके कोरोना हो विभिन्न समय में हमारा मनरेगा कर्मी सुदूर क्षेत्र में काम करते हैं, उनको मिनिमम 12,000 देकर शोषित किया जाता है। ये बताइए, इस परिस्थिति में जब आप लोगों का अस्थायीकरण नहीं हुआ है, सरकार का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आप लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए, आगे क्या करेंगे? ये हम लोग का एक दिवसीय नहीं अनिश्चितकालीन धरना है। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारा ग्रेड पे दे नहीं देता है, और धरना देने का उद्देश्य ये है कि हेमंत जी ने हम लोगों से वादा किया कि आप मेरी सरकार बनाइए, हम आपको स्थायी करेंगे, लेकिन हेमंत जी ने वो वादा नहीं निभाया। और मैं बता दूं कि जितना 17 साल में सभी ने हम लोगों को छला है, लेकिन जितना शोषण और प्रताड़ना हेमंत सरकार में मनरेगा कर्मियों को हुआ है उतना शायद किसी सरकार में नहीं हुआ है। शोषण की प्रकाष्ठा हो गई है इस सरकार में, शोषण से तंग आकर हम लोगों को हड़ताल में उतरना पड़ा है। ये बताइए कि जो 17 सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, कितना बार आंदोलन करना पड़ा और कुछ भी मांग पूरा हुई या नहीं अभी तक? पौने दो दशक का यह संघर्ष जो है मनरेगा का, इसमें हम लोग सैकड़ों बार संघर्ष किए, धरना प्रदर्शन आंदोलन, और आज तो आलम यह है कि संपूर्ण झारखंड धरनामय हो गया है। विविध संगठनों के लोग, राजनीतिक सामाजिक सब संगठन के लोग सरकार के खिलाफ हैं, और यही मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं झारखंड में एक भी व्यक्ति को अनुबंध कर्मी नहीं रहने दूंगा, सत्ता में आने के बाद हम सबको ग्रेड पे और अस्थाई सेवा में बहाल कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनरेगा में जो काम कर रहे हैं पंचायतों में चाहे ऑफिसों में, उनका जो मानदेय है श्रम कानून का खुल्लम खुला उल्लंघन है, और जो सरकार अपने मुंह से जो मुख्यमंत्री जिस बात को स्वीकार किया हो और वो व्यक्ति आज नहीं कह रहा, तो व्यक्ति कितना झूठा निकम्मा और निर्लज है, उसके संकल्प में शक्ति नहीं है। इसलिए यह आंदोलन हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से चल रहा है, आज के बाद कंटिन्यू चालू रहेगा। बिल्कुल, तो अभी जिस तरह से तीनों जो मनोज पांडे, नीरज सिंह और जो अन्य लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि यह जो आंदोलन है सिर्फ आज के लिए नहीं है, आगे भी चलेगा, और ये इसलिए चलेगा क्योंकि सरकार ने अपने संकल्प में बताया था, अपने मैनिफेस्टो में सरकार में आने से पहले जेएमएम ने बताया था कि वो तमाम संविदा कर्मियों का जो कार्य है उसे अस्थायी काम करने का, उन्हें जो अस्थायीकरण करेंगे, लेकिन वह अस्थायीकरण का कार्य नहीं हुआ, उनका सेवा अस्थायी नहीं हुआ, मानदेय नहीं दी गई, जो वेतनमान निर्धारित होना चाहिए था, ग्रेड पे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसलिए न सिर्फ मनरेगा कर्मी बल्कि तमाम जो अलग अलग विभागों में वन विभाग के कर्मी नाराज हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुपालन विभाग के कर्मी नाराज हैं, सभी जगह नाराजगी देखने में, पारा शिक्षक से लेकर सेविका सहायिका सभी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में सरकार को संभव है कि इन तमाम लोगों की नाराजगी झेलनी पड़े और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।